फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एकदम तीखी वाली खट्टी सी, एकदम चटपटी सी मजेदार चटनी। इस चटनी को आप पकोड़ों के साथ, पराठे के साथ, आलू के, गोभी के, किसी भी चीज के पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बनती है ये और एकदम टेस्टी लगती है। बच्चे तो इसे बहुत खुश होके खाते हैं, छोटे बड़े आप मिर्च थोड़ी कम कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सी चटनी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अमरूद लिया है, इस अमरूद को मैं कट कर लेती हूं। ये एक ही बहुत बड़े साइज का अमरूद है और मैं इसके बीज निकाल देती हूं। तो ये थोड़े थोड़े से ऊपर का पार्ट हम हटा देंगे तो ये हमारे बीज निकल जाएंगे। तो ये मैंने ऊपर का पार्ट हटा दिया है और ये देखो, इस तरीके से मैं बीज निकालती जाऊंगी। ये थोड़ा सा और बच गया है, इसी तरीके से मुझे सारे बीज निकालने हैं। ये मैंने देखो पीसेस कर लिए हैं बीज हटा करके, और अब मैं ये मिक्सी जार में डाल देती हूँ। तो ये मैंने सारे मिक्सी जार में डाल दिए हैं और ऊपर से मैं डाल देती हूँ, ये हरी धनिया ली है मैंने धो करके अच्छे से, तो ये हरी धनिया डाल देती हूँ। और ये ली है मैंने चार मिर्च। आप है ना जो ये मिर्च कम कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से ली है, आप कम कर सकते हो ये मिर्च। और ये लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, और ये मैं डाल रही हूं इसमें जीरा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये डाल रही हूं मैं इसमें काला नमक, तो काला नमक से टेस्टी बनती है ये चटनी, बहुत अच्छी लगती है काले नमक से। तो थोड़ा सा हम इसमें ये दूसरा वाला नमक भी ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार डाल दें आप जिस हिसाब से खाते हैं। और ये मैंने आधा नींबू लिया है और ये भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि नींबू से ये जो अमरूद के अंदर थोड़ा सा कसैलापन होता है तो वो हट जाता है, इससे ये दब जाता है कसैलापन। तो इसमें ये नींबू इसलिए डाल रहे हैं और अच्छी सा एकदम बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा चटपटा सा टेस्ट आता है। इसको आपको पीस के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, इसमें पीस नहीं रही थी, तो आप भी अपने हिसाब से देख लेना, अगर नहीं पीसे तो इसमें पानी ऐड कर लेना। तो देखिए, ये चटनी पीस करके तैयार हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है आप देख सकते हो। ये चटनी हमारी आराम से हफ्ता भर, 6 से 7 दिन हम इसे स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, और ये बिना फ्रिज के भी 3 से 4 दिन तो खराब नहीं होने वाली। बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, इसे आप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो, और टेस्ट में तो ये इसका आप पूछ ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी चटनी बनानी पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।